एक ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे अपन मरोड़ के खड़ा करते हैं और थूक ला के अंदर डाल दें? तो कैसे हैं मेरे भोपाल के दोस्तों, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। तो स्वागत है हम लोग की न्यू व्लॉग में, जो कि बहुत ज़्यादा स्पेशल है, बिकॉज आज हम लोग पब्लिकली जाके कॉमन लोगों से कॉमन सेंस के क्वेश्चंस पूछने वाले हैं और थोड़े से डबल मीनिंग भी। तो आप लोगों को अगर उसके आंसर पता हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा उसके आंसर्स। और तो हम लोग चलते हैं फिर वहाँ पे। उससे पहले नीचे जो ये सब्सक्राइब का बटन है और बेल आइकन है, उसको प्लीज़ दबा दीजिएगा ताकि हमारी सारी नोटिफिकेशंस आप तक पहुँचती रहें। तो चलते हैं फिर। आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने। दो और दो पाँच कैसे होते हैं? दो और दो पाँच। हाँ, कैसे होते हैं? दो पाँच नहीं होते, दो तो चार ही होते हैं। अरे दो और दो पाँच होते हैं, कैसे होते हैं? यही तो कॉमन सेंस का क्वेश्चन है यार। बहुत सिंपल है, दो और दो पाँच कैसे होते हैं? दो और दो चार ही होते हैं, पाँच नहीं। दो और दो पाँच भी होते हैं, बट कैसे होते हैं? दो और दो पाँच कैसे होते हैं? दो और दो पाँच, हाँ, तो हो ही नहीं। दो और दो पाँच कैसे होते हैं? दो और दो पाँच कैसे होते हैं? दो और दो चार पाँच कैसे होते हैं? दो तो चार होते हैं। नहीं, इसने पूछा दो और दो पाँच कैसे होते हैं? बहुत सिंपल है, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। देख रहा है भाई, यूट्यूब देख रहा है। हाँ, देख रहा है। दो और दो पाँच। हाँ, वाह, क्या एक्टिंग कर रहा है। दो और दो पाँच, दो और दो पाँच होते हैं, कैसे होते हैं? पर कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। आप मैंने जो क्वेश्चन पूछा है उसमें आंसर है दो और दो पाँच कैसे होते हैं। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। दो और दो पाँच कैसे होते? हाँ, कैसे होते? दो और दो पाँच, हाँ, कैसे होते? अभी तक तो माँ साहब ने यही बताया, दो और दो चार होते हैं। सही बात है, हाँ। पाँच भी होते हैं, पर कैसे होते हैं? कैसे होते हैं, कैसे होते हैं? दो और दो पाँच, हाँ, दो और दो और एक पाँच। दो और दो पाँच कैसे होते हैं? कैसे होते हैं? ऐसे होते हैं, ऐसे जैसे पाँच। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हल्का ढास। चलो भाई, इन लोग को शायद जवाब नहीं पता, बट तब भी एक अंदाजा तो लगा सकते हो कि दो और दो पांच कैसे होते हैं। भाई गलती से हो सकते हैं ना यार, गलती से हो सकते हैं। दो और दो पांच कैसे होते हैं? बहुत ही सिंपल से सवाल है, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। अरे बाप रे बाप, सही खेल गया बैंच। पहले ही आंसर मतलब इतना कूल और इतना स्मूथ वाला जो दिया है ना। अच्छा, तो दूसरा सवाल ऐसे कॉमन सेंस का ही कि अगर स्विमिंग पूल में एक हाथी गिर जाता है तो कैसा बाहर निकलता है? एनी गेसेस? गलती से। दो और दो पांच कैसे होते हैं? दो और दो पांच कैसे होते हैं? आए तो सुन लिया भाई, जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। पीछे खड़े हुए थे, सुन लिया भाई ने आंसर। अभी अरे सुन लिया, सुन लिया भाई, मतलब YouTube वीडियोस देखते रहते हैं साथ में। कॉमन सेंस लगाओ यार, कॉमन लोगों के पास कॉमन सेंस होना ही चाहिए, ऑब्वियसली बात है। बताए भाई क्या कर ली? बोल अभी हूँ, क्या कर ली? बोल। दो और दो चार ही होते हैं मेरे हिसाब से, तो पाँच तो कहीं से। दो और दो पाँच गलती से होते हैं। हाँ, वो तो गलती से होते हैं ना, तो यही तो आंसर था, कॉमन सेंस का क्वेश्चन था। तो चलो एक काम करता हूँ, दूसरा क्वेश्चन पूछो। सर एक गूंगा है, उसको पानी मांगना हो तो वो कैसे मांगेगा? पानी मांग इशारा करके बोलेगा, इशारा करके बोलेगा। और एक अंधे को अगर कैंची मांगनी होगी तो कैसे मांगेगा? ऐसे ऐसे दिखा के मांगेगा, मतलब ऐसे दिखा देगा तो कैंची आ जाएगी। अंधा है वो, पर वो गूंगा तो नहीं है ना। दो और दो पाँच कैसे होते हैं? दो और दो पाँच कैसे होते हैं? कैसे होते हैं? गलती से होते हैं यार भाई, सिंपल था, इतना सिंपल था यार। ओके, चलो दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, कोई नहीं। अच्छा एक बात बताओ, अगर एक हाथी स्विमिंग पूल में गिर जाए तो कैसा बाहर निकलेगा? डील भाई, आंसर एक बार में, मतलब क्लीन शॉट। एनी गेसेस? गलती से ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। गलती से क्या आंसर? हाँ, कुछ तो आंसर होगा ना, मतलब
मेरे को तो लगा था गीला बार निकलेगा, बट मैम का तो बोला पता नहीं कैसा बार निकलेगा। थोड़ा सा डबल मीनिंग पूछ सकता हूँ? नहीं, अगर आप ऑफेंड ना हो तभी। अच्छा, एक ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे अपन मरोड़ खड़ा करते हैं और थूक ला के अंदर डालते हैं? बहन डर गई। मतलब एक मैं कोई भी आंसर दूँ, मतलब जरूरी नहीं अपन का आंसर सही हो। रुको जरा, सबर करो। मेरा ये क्वेश्चन है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे अपन मरोड़ के खड़ा करते हैं और थूक ला के अंदर डालते हैं? सोच गंदी है। नहीं, वहाँ नहीं जाना। वैसे मैं आंसर देता हूँ, सुई धागा। गजब टूबी बाज आदमी। आपने, आप लोगों ने टीपू सुल्तान नाम सुना है? जी। टीपू सुल्तान की मौत किस जंग में हुई थी? टीपू सुल्तान की जंग कब हो गई? किस जंग में हुई थी? कब हो गई? अभी तो चाय पी थी भाई, पीछे चाय पी थी यार टीपू भाई के। राजा बोले भाई। ओके, नहीं कोई बात नहीं, हम देंगे इसका जवाब बहुत जल्द देंगे। टीपू सुल्तान की, भाई तूने हिस्ट्री पढ़ी है ना? नहीं भाई, मेरा तो भाई कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, इसमें हिस्ट्री नहीं आती, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। वापस पूछिए क्या था? टीपू सुल्तान की मौत किस जंग में हुई थी? जंग में? हाँ, मोहब्बत की जंग। तू बहुत सही दोस्त है मेरे भाई। अरे तेरे जैसे दोस्त हो ना तो दुश्मनों की जरूरत ही नहीं है, तू अकेला ही काफी है। सबसे पहला कत्ल हुआ था उनका मोहब्बत। भाई बताइए भाई आंसर। मोहब्बत बाजी, यू नो। बताए भाई। नहीं पता भाई, उसकी आखिरी जंग। मैं तो पहली जंग समझ रहा था। मोहब्बत की। अच्छा एक बात बताओ, कि अगर एक गूंगा है उसे पानी मांगना है तो वो कैसे मांगेगा? इशारे से मांगेगा। और एक अंधे को कैंची मांगनी तो कैसे मांगेगा? इशारे से मांगेगा। अंधा कैंची, देख रहे हो आप, ये है हमारे यहाँ का कॉमन सेंस। वो भी शायद भाई अंधा है ना, वो तो गूंगा यार, वो बोल सकता है, वो तो बोल सकता है, को हम बोल कर बता सकते हैं कि कैंची मांगे, वही ऐसे मांगेगा अंधा। चलो मेरे गाइस, थैंक्स, लव यू फॉरएवर।